माना कि सूर्य कमल भैया को बैंगन पसंद है, पर फिर भी उन्हें आपकी पसंद का भी तो ख्याल रखना चाहिए ना। अब तो रसोई घर में प्रीति भाभी का राज है। आज तक तो बस रसोई घर में अपना कब्जा जमाया है। ऐसा ना हो कि धीरे धीरे करके पूरे घर पे ही उनका राज। वो दिन मेरे जीते जी कभी नहीं आएगा रितु। आज हमारा रिश्ता एक ऐसे कगार पर आके रुका है कि मुझे तुम्हें ये बताना ही होगा। इसलिए मैंने ये सोचा है कि अब अगर तुम मुझे अपनाओ या ना अपनाओ, मैं तुम्हें वो सच बताकर ही रहूंगा। कौन सा सच ऋषि? कैसा सच? वही सच सुमी, जिसकी वजह से मैं और डैड परेशान होकर तुम पर और मॉम पर अपना सारा गुस्सा निकालते। आई नो इट्स नॉट फेयर, पर वो क्या है ना कि हमारा एक लोन पास नहीं हुआ और उसकी वजह से हमारा सारा बिजनेस, डैड की बरसों की कमाई, रेपुटेशन, सब कुछ बर्बाद होने पर। ये कैसे हो गया? होता है सुमी, होता है। बड़े फायदे के लिए बड़ा रिस्क उठाना पड़ता है, सब लेते और हमने भी वही किया। एक प्रोजेक्ट के लिए हमने अपना सारा पैसा डाल दिया और बैंक अगर हमें लोन दे देता तो हम बहुत बहुत ज्यादा प्रॉफिट कमाते। लेकिन अनफॉर्चुनेटली बैंक ने हमारा लोन अप्रूव नहीं किया, और ऐसा पहले कभी नहीं हुआ है, ऐसा पहली बार हुआ है, और इसी वजह से डैड इतने नर्वस रहते और उसी वजह से मैं और डैड अपना सारा गुस्सा, अपनी सारी चिड़चिड़ाहट तुम पर और मॉम पर उतार देते। यही तो प्रॉब्लम होती है हम आदमियों की, कि हम अपने फेलियर्स को, अपनी इनसिक्योरिटीज को, अपने प्रॉब्लम्स को, अपने बिजनेस प्रॉब्लम्स को अपनी पर्सनल लाइफ में इंक्लूड नहीं करते, अपनी वाइफ को उससे कहीं दूर रखते, क्योंकि क्योंकि हम उन्हें परेशान नहीं करना चाहते। मैं और डैड तुमसे और मॉम से बहुत प्यार करते हैं, और हम दोनों तुम दोनों को बहुत बहुत खुशियां देना चाहते हैं। दुनिया की सारी लग्जरीज तुम्हारे कदमों में लाकर रखना चाहते, लेकिन ये कोई एक्सक्यूज नहीं। इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि अगर तुम चाहो तो मुझे अपना सकती हो या अपने पेरेंट्स के घर वापस जा सकते हो, और अगर तुम चाहो तो मैं खुद तुम्हारे साथ आऊंगा, मैं खुद तुम्हारे पेरेंट्स को समझाऊंगा, उनसे उनसे माफी भी मांगूंगा, क्योंकि मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि तुम खुश रहो। बस इतना ही विश्वास करते हैं आप हम पे, और इतना ही जान पाए हमें। आपको क्या लगा इस मुश्किल घड़ी में मैं आपको अकेला छोड़ के अपने पीहर चली जाऊंगी? नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था। अच्छा होता आप पहले ही सब कुछ हमें बता देते, ना ही आपको इस तरह मनी मन घुटना पड़ता और ना ही मुझे। आपको क्या लगा मैं केवल आपके सुख की साथी हूँ? हे भगवान, मैं पता नहीं क्या क्या सोच रही थी। आप कभी मत कहिएगा कि अपने पीहर चली जाओ, चाहे सुख में दुख में कैसे भी हालात हो, मैं हमेशा आपके साथ रहना चाहती हूँ। और आप ना बिल्कुल चिंता मत कीजिए, कान्हा जी सब ठीक कर देंगे। अभी ये क्या? वो जी रस्तोगी जी के बेटे का मुंडन है ना, इसलिए। हाँ, इसके अलावा और कोई शर्त तो होगी नहीं ना आपके पास? हाँ, लेकिन ये सबसे अच्छी है। अच्छा, वैसे मैं ये बाल्टी लेने आई थी। हाँ जी ले लीजिए, एक मिनट मैं इसे डाल दूं जरा।
अब क्या हुआ? सॉरी सॉरी प्रीति जी, अब आंख में क्या साबुन? एक मिनट, ओ ये मुंह धो लीजिए। ओह सॉरी सॉरी प्रीति जी, आप अभी भी जल रहे? अब प्रीति जी एक मिनट, हाथ नीचे कीजिए, मैं करता हूँ। एक मिनट, हाथ हटाइए। अभी बेहतर लग रहा है? जी ठीक है, थैंक यू सो मच। और हाँ, यकीन मानिए मैंने आपकी तरफ बिल्कुल नहीं देखा, मेरी आंखें पूरे समय बंद थी। पता है मुझे। कौन? क्या हुआ रे तू? वो मैं पार्टी लेने आई थी। हाँ तो मैं लाई तो रही थी, तुमने ही तो कहा था मुझे लाने के लिए। हाँ पर वो आपको आने में देर हो रही थी ना, इसीलिए मैंने सोचा कि मैं खुद आके ले लेती हूँ। सुनो लेना कोई आ जाएगा, वैसे आप पूछ क्यों रहे हैं? क्या हुआ रितु? अभी वो मैं पार्टी लेने आई थी। हाँ तो मैं लाई तो रही थी, तुमने ही तो कहा था मुझे लाने के लिए। पर वो आपको आने में देर हो रही थी ना, इसीलिए मैंने सोचा कि मैं खुद आके ले लेती हूँ। सुनो पार्टी तो लेती जाओ। हाँ भाभी। कौन? अच्छा तो ये है जो इतने दिनों से मेरी और इनकी जासूसी कर रही है।
हेलो हेलो, कहाँ हो आप? अरे क्लास में जा रहा हूँ, इम्पोर्टेंट लेक्चर है, मैं तुमसे बाद में आके बात करता हूँ, ओके? अरे बाहर में गई तुम्हारी क्लास। तुम्हें पता भी है कि यहाँ क्या हो रहा है? तुम्हारे भैया भाभी दोनों झाग के बहाने बाथरूम में रोमांस कर रहे हैं और मैं यहाँ अकेली हूँ। तुम्हें मेरी बिल्कुल याद नहीं आती ना, कैसे जीते हो मेरे बिना? थोड़ा धीरज रखो स्वीटहार्ट, कुछ पाने के लिए कुछ खोना भी पड़ता है। आई डोंट वरी, इस बार मैं आऊंगा ना, तुम्हारी सारी शिकायतें दूर कर दूंगा। और पता है मैं तुम्हारे लिए इस बार क्या लेके आ रहा हूँ? एक नया मोबाइल, और वो भी कैमरे वाला। अब तो कुछ ऋषि, क्या सोचा आपने अब इस प्रॉब्लम का क्या करेंगे? आप इसी बारे में जीजा जी से बात करना चाहते थे ना? क्या करूं, बात करूं जीजा जी से? नहीं सुमी, उसकी कोई जरूरत नहीं है, और ये काम उनके बस का नहीं है। खामा तो उन्हें परेशान करके कोई फायदा नहीं। मैं हूं ना, I'll handle it, but you know what, आज तुमसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा। I felt really light. Thank you. You're welcome. जी डैड। हाँ ऋषि बेटा, तुम मेरे स्टडी में चले आओ, तुमसे कुछ जरूरी बातें करनी है। अभी डैड? यस अभी। ओके। पता नहीं डैड ने अभी बुलाया। प्रे करना कि सब कुछ ठीक हो। सब ठीक हो। ऋषि, लव यू। लव यू टू। प्रणाम माँ जी, प्रणाम भाव जी, कैसे हैं आप लोग? मैं जानता हूँ बहुत दिनों बाद मैं आपकी सूद लेने आया हूँ ना, आप लोग नाराज हैं, लेकिन अब मैं क्या करूँ? आप लोग तो जानते हैं ऑफिस और घर के काम से फुर्सत ही नहीं मिलती, और अब तो मेरी प्रीति जी भी हैं। मेरी प्रीति जी, अरे जी, मैं ये पूछने आई थी कि आपको भिंडी पसंद है? वैसे तो घर में पालक भी है, आपको जो भी ज्यादा पसंद हो वही बनाकर टिफिन में रख दूंगी। अरे मुझे तो सब कुछ ही पसंद है जो आप बना दें। मेरा मतलब है आपके जो मर्जी हो आप बना लीजिए जी। अच्छा, वैसे आज खाने में नमक होगा? देखा माँ, बाबू जी आपकी बहू कितनी अच्छी है, मेरा कितना ख्याल रखती है। लोग के जाने के बाद में किसी ने मेरी पसंद ना पसंद कभी पूछी नहीं, लेकिन ये पूछती है मेरी प्रीति जी।
अरे वाह, यहाँ तो बहुत अच्छी खुशबू आ रही। वैसे ये खुशबू खाने की नहीं है, आपके लाए हुए परफ्यूम की है। अच्छा, तो मैंने कब कहा कि ये खाने की खुशबू है? क्या कर रहे हैं, आपको याद जाएगा, हटिए। वैसे यही पूछने आए थे हम। अरे हाँ, नहीं मैं तो एक्चुअली ये पूछने आया था कि तुम्हारा फेवरेट कलर कौन सा है, लेकिन इस खुशबू के चक्कर में मैं कलर को तो भूल ही गया। हटिए ना, कोई आ जाएगा। वैसे आप पूछ क्यों रहे हैं? वो एक सरप्राइज, तुम ये बताओ कि तुम्हारा फेवरेट कलर कौन सा है। यार एक बात बताइए, सुमी के गहने करीब कितने के होंगे? वो गहने मिलाकर जो वो मायके से लाई, वो तुम्हें अपने गहने कभी नहीं देगी। देगी राज। कोई आ जाएगा। वैसे आप पूछ क्यों रहे हैं? वो एक सरप्राइज, तुम ये बताओ कि तुम्हारा फेवरेट कलर कौन सा है। री मैया री, क्या हो रहा है यहाँ पर? हाँ चाची जी, वो तू चुप रह विनय। हाँ तू बोल। राधिका, अभी मेरी जगह कोई नौकर चाकर आकर ये सब कुछ देख लेता तो वो क्या सोचता तुम्हारे बारे में? इसका तो ठीक है, ये मर्द है, लेकिन घर का मान सम्मान बनाए रखना तो बहू की जिम्मेदारी होती है ना। रसोई में ये कोई जगह है क्या? चाची जी, इसमें राधिका की कोई गलती नहीं है। विनय, राधिका की तरफदारी करना तो तू बंद ही कर, हो सके तो इसे थोड़ा समझा। और हाँ, तुझे ऑफिस नहीं जाना है? जी जा रहा हूं। जा, ये देखो सब्जी। भैया ये सारा हिसाब तो विनय पहले ही चेक कर चुका है, आप मुझसे दोबारा क्यों करवा रहे हो? विनय के काम का कोई भरोसा आजकल? पता नहीं कहां ध्यान रहता है लड़के का, कुछ ज्यादा ही ढील दे रखी है मैंने उसे। देनी भी चाहिए भैया, इस उम्र में कौन है जो कभी कभी उड़ा उड़ा नहीं फिरता। इतनी सख्ती भी अच्छी नहीं होती। आओ बेटा। भाऊजी। मुझे कुछ रुपए चाहिए थे। कितने पैसे चाहिए? शायद 5,000। शायद मतलब? मतलब क्या करेगा इतने पैसों का? बाबूजी, माँ ने कहा था कि मुझे राधिका के लिए कोई अच्छी सी साड़ी खरीदनी चाहिए, इसीलिए। भैया लड़का बड़ा हो गया है, अपनी पत्नी को प्रसन्न रखने के गुण सीख गया है। ठहर अभी।
ये ले 10,000। 10,000 बाजी, थैंक यू। और बेटा आइंदा ये छोटे मोटे खर्चों के लिए हमसे पैसे मत मांगने आया करो, खुद ही गल्ले से निकाल लिया करो। अरे भाई ये सब कुछ तुम्हारा भी तो है। अब हमारे पास वक्त बहुत कम है ऋषि, अगर जल्द से जल्द पैसों का बंदोबस्त नहीं हुआ तो हम बहुत बड़ी कानूनी उलझनों में फंस सकते हैं। वैसे डैड एक बात बताइए, सुमी के गहने करीब कितने के हो गए? वो गहने मिलाकर जो वो मायके से लाई है। मैं जानता हूं तुम्हारा इशारा किस तरफ है, पर उसका कोई फायदा नहीं। एक बात याद रखना, औरतों को दुनिया में सबसे ज्यादा लगाव अपने गहनों के साथ होता है, वो तुम्हें अपने गहने कभी नहीं देगी। देगी राज, जरूर देगी। यही तो फायदा होता है एक संस्कारी परिवार की लड़की से शादी करने का, वो अपने पति के लिए कुछ भी कर सकती है, कुछ भी सैक्रिफाइस कर सकती है। तो गहने क्या चीज है? थ्योरेटिकली सुनने में ये सब अच्छा लगता है, तो क्या तुम इसे प्रैक्टिकली अंजाम दे पाओगे? ऑफ कोर्स डैड, आप ही का बेटा हूं मैं, इतना तो मैं कर ही लूंगा। अगर चमचमाती कमीज पहनने का शौक है ना, तो पहले ब्लीच के पैसे कमा। तेरी प्रीति जी ने तुझे रोज रोज टिफिन देके महीने की 90 रोटियों का खर्च बढ़ा दिया है। पूछ अपने प्रीति जी से, आज बाजार गई थी या नहीं ब्लीच लाने? रितु ने खुद अपने कानों से सुना है।